नमस्कार मित्रों, मैं पंकज सिंह। मेरे YouTube चैनल जीके बाई पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के जनरल स्टडीज़ के पेपर के बारे में। यह एक पेपर है जो पेपर थर्ड के नाम से जाना जाता है और एक कॉमन पेपर होता है जिसका एग्ज़ाम है वो 30 मई 2019 को आयोजित किया गया था। आशा करता हूँ कि इस पेपर से में RPSC ने जो क्वेश्चन पूछे हैं आपके आने वाले निकट भविष्य के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। इसी के साथ अपन शुरू कर रहे हैं अपना पेपर। अपना जो पहला प्रश्न है वो है, सही कथनों का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। अपने को चार कूट दिए गए हैं, इसमें से अपने को सही और गलत का पता लगाना है, सही कूट का चयन करना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो पहला जो इसका जो प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा वो RPSC के आंसर की के हिसाब से नंबर दो होगा, ए बी ओ डी। ये जो सी का जो है, मिश्रित पतझड़ वाले वन उत्तरी राजस्थान में मिलते हैं, ये है इसका, इसको गलत माना गया है। बाकी हैं वो तीन हैं वो सही हैं। तो इसका दो होगा, ए बी डी सही है। प्रश्न नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं अपन। सोनाड़ी और नाली ये जो नस्लें हैं वो किसकी हैं? भेड़ की। प्रश्न नंबर तीन है, सही सुमेलित करना है और इनके कूटों का चयन करना है अपने को। तो ताल छापर अभ्यारण है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको अपने को पता है कृष्ण मृग के लिए है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण मगरमच्छ के लिए है। सरिस्का में बाघ मिलते हैं और केवलादेव में साइबेरियन क्रेन। मतलब इसका जो तीन के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एक होगा, 3, 1, 4, 2। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, सन 2016 में प्रकाशित कृषि सांख्यिकी के अनुसार 1956-57 से 13-14 के समयावधि हेतु राजस्थान राज्य के लिए निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही हैं? ए बी और सी, इन तीनों में से कूट दिए गए हैं, इनमें से अपने को चयन करना था। तो इसमें से केवल जो ए है, ये जो ए है, शुद्ध बोया क्षेत्र 36.36% से बढ़कर 53.13 हो गया। तो ये इसका सही आंसर होगा। अपन अब पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना था तांबार। तो इसमें पांच का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा दो नंबर। मतलब तांबा है वो गरासिया से रतिमाउरी, लोहे अयस्क है झावर निक्षेप, मैग्नीज है मोरिजा निक्षेप और मैग्नीज है मदान कुनाल कुदान निक्षेप, ये इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर छः की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की तीन इकाइयां कहां स्थित हैं? तो इसका आंसर ये होगा, डीडवाना में। प्रश्न नंबर सात, 2011 में राजस्थान के कौन से ज़िलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है? ये जो आंसर होगा इसका, कोटा और जयपुर। प्रश्न नंबर आठ की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक है वो नलकूप और कुएं आएगा। प्रश्न नंबर नौ, निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये कूट दे रखे हैं अपने को, कूट में इसमें जो नौ में तीन नंबर कूट जो है ए बी ओ डी, ये तीन कूट हैं ये सही होंगे। बूंद बूंद सिंचाई है ये नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्न कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो 10 में जो सुमेलित नहीं है ये गेहूं वाला सही नहीं है। 10 में दो गेहूं माही धवल, ये इसमें सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 11, संशोधित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ? 11 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा एक नंबर, 1978-79। राजस्थान में कौन से ज़िलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? तो 12 में जो आंसर होगा वो होगा झालावाड़, कोटा और 12।
प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं अपन। 13 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? युग्म दे रखे हैं, इसमें से गलत कौन सा है? तो 13 के में जो गलत होगा वो होगा कोयला, बरसिंगर, बाड़मेर। 14, शहरिया विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ? ये प्रश्न है RPSC के द्वारा डिलीट किया गया है, तो ये अपना स्टार मार्क क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा अपना, राजस्थान में 2001-11 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत है, जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा? 19.0। इसका आंसर होगा 19.0। त्रिकाल का संबंध है, प्रश्न नंबर 16, त्रिकाल का संबंध होगा, त्रिकाल का होगा भोजन, चारा, भोजन व जल की कमी। 17 के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? इसका जो आंसर होगा जैसलमेर, बाड़मेर। 17 के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जैसलमेर बाड़मेर होगा। 18 नंबर, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? इनमें जो सम्मिलित नहीं है बांगड़ के अंदर वो आएगा राजसमंद। 19 के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 1992 में राजस्थान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के समय निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान का राज्यपाल नहीं था? ये जो 19 का प्रश्न है इसको भी RPSC ने स्टार मार्क किया है, इसको डिलीट किया है। तो 20 के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? उनका जो आंसर होगा इसमें बलिराम भगत। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से सही कथनों वाले कूट की पहचान करनी थी, तो 21 का जो प्रश्न होगा इसका आंसर रहेगा बी और सी। बी का है राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे, और सी का रहेगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये जो आंसर रहेगा बी और सी कूट है, ये दोनों सही होंगे। प्रश्न नंबर 22, स्पीकर की अनुपस्थिति में विधानमंडल द्वारा किसी भी विधेयक को राज्यपाल को भेजे जाने से पूर्व निम्न में से कौन प्रमाणित करता है? तो 22 का जो आंसर होगा इसका आंसर नंबर 2 होगा, विधानसभा सचिवालय का सचिव है जो आंसर रहेगा इसका। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? तो राज प्रमुख द्वारा उद्घाटन है ये 29 अगस्त 1949 को किया गया था। प्रश्न नंबर 24, सही कथन की पहचान कीजिए, ये प्रश्न है, इसको RPSC ने इसको भी डिलीट किया है, तो ये स्टार मार्क क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न नंबर 25, राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, जो ये हैं इन पर विचार करना है, इनके अनुसार अपने को सही कूट का चयन करना है। तो 25 के प्रश्न में जो आंसर रहेगा वो ए, बी और सी रहेगा। राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्ति करेंगे, लोकायुक्त को देय वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष होंगे, और सी रहेगा राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकेगा। तो 25 में ए, बी और सी तीनों कूट हैं वो सही हैं। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कथन जो सही नहीं है वो चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इसको अपने इसमें से 26 के प्रश्न में जो 2 का कोट है वो सही नहीं है। सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो पद धारण करेगा। 26। प्रश्न नंबर 27, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 27 का जो आंसर है वो जुलाई 1994 में हुआ था। प्रश्न नंबर 28, राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, ये जो समिति है वो किन से मिलकर बनी होगी? ये समिति है मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता के द्वारा मिलकर बनी होती है। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता कौन करता है?
तो इसकी अध्यक्षता वह जिला प्रमुख करते हैं। प्रश्न नंबर 30, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो इसमें जो आंसर है राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न नंबर 31, निम्न में कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है? इनमें जिला कलेक्टर से संबंधित नहीं है वो है स्थानीय स्वशासन के निकायों के चुनावों की अधिसूचना जो जारी करना है वो जिला कलेक्टर का काम नहीं होता है। प्रश्न नंबर 32, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? तो इसमें जो मुख्य सचिव हैं वो राजस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। प्रश्न नंबर 33, 25 वर्षों के अंतराल के पश्चात किस वर्ष में संभागीय आयुक्तों के पद पुनः सृजित किए गए? तो 33 के इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा 1987। प्रश्न नंबर 34, सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है, तो इसका जो आंसर होगा स्थानीय स्वशासन, प्रश्न नंबर आंसर होगा 3। नेक्स्ट अपन चलते हैं 35, राजस्थान फसली ऋण माफी योजना 2018 के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से जो कथन दे रखे हैं, कथन नंबर 4 है, योजना सभी प्रकार के बैंकों द्वारा प्रदत्त अल्पकालीन फसली ऋण पर प्रभावी होगी, ये जो आंसर है ये इनका इसका आंसर होगा, ये जो सही है कूट है वो सही नहीं है। प्रश्न नंबर 36, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण के निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्य समय नियत करेगी? इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्य सलाहकार समिति, 36 का ये होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 37, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पदधारित किया जा सकता है? तो 37 का जो आंसर होगा वो होगा 70। राजस्थान में नगरपालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? 38 का जो आंसर होगा वो 4 होगा, 5 प्रस्तावक हैं वो आवश्यक होते हैं। प्रश्न 39, राजस्थान में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 17-18 में चालू कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान सकल जोड़े गए मूल्य में था? 39 के प्रश्न का आंसर होगा 25% के लगभग। प्रश्न 40, 2015-16 में राजस्थान में कृषि भूजोतों का औसत आकार क्या था? 40 में जो औसत आकार था 2.73 हेक्टर था इनका, यह आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 41, 3 चालू योजनाओं के समामेलन से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने जन्म लिया, इन 3 योजनाओं का नाम था? 41 के जो क्वेश्चन होगा इसका आंसर होगा 1 नंबर, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम और खेत पर जल प्रबंध। प्रश्न नंबर 42, राजस्थान में निम्न में से किस परियोजना में प्रथम बार फव्वारा सिंचाई व्यवस्था को आवश्यक बनाया गया है? तो 42 का है नर्मदा कैनाल परियोजना होगा, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है। 43 के प्रश्न का आंसर होगा डूंगरपुर जिले में, इसका 43 का 1 नंबर होगा। प्रश्न नंबर 44, रिको ने अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितनी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए हैं? तो 44 के प्रश्न का जो आंसर रहेगा अपना वो रहेगा 340। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान कीजिए, कथन दिए गए हैं अपने को, इन कथनों में जो सही जिसकी बात करनी है वो रहेगा केवल बी है, ये कूट है, ये सही रहेगा, ए है जी ये गलत है। प्रश्न 46, दिसंबर 17 के अंत में राजस्थान में ऊर्जा की प्रतिस्थापित क्षमता थी? तो 46 के प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो था 19,536 मेगावाट। प्रश्न नंबर 47, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत किशोर उत्पाद में ऋण शामिल है? 47 का ये आंसर रहेगा 50,000 से ऊपर और 5,00,000 तक। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से किस श्रेणी के बच्चे पालनहार योजना के अंतर्गत लाभ पाने के पात्र हैं? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है, ये कूट दिए गए हैं। तो 48 के क्वेश्चन का आंसर होगा 4 नंबर, ए बी सी और डी, ये चारों ही सही रहेंगे इसमें। प्रश्न नंबर 49, 13 फरवरी 2019 को
विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बजट वक्तव्य के अनुसार 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? 49 का जो आंसर रहेगा इसमें 1000 रुपये दी जाएगी। प्रश्न नंबर 50। 13 फरवरी 2019 को विधानसभा के मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बजट वक्तव्य के अनुसार राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत कितने नए दवा वितरण केंद्र खोले जाएंगे? 50 का जो आंसर रहेगा वो 600। प्रश्न 51। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न नंबर 51 का जो असत्य कथन है वो 3 है। यह राजस्थान के 19 जिलों में लागू है, इसका ये आंसर होगा। प्रश्न 52। राजस्थान की किस वर्ष के बजट में अंत्येष्टि अनुदान योजना की घोषणा की गई थी? प्रश्न नंबर 52 का जो आंसर होगा वो होगा 2017-18। प्रश्न नंबर 53। राजस्थान के किस वर्ष के बजट में त्रेपन नंबर पर पहुंचते हैं अपन। निम्न में से किस स्रोत से राजस्थान को दिसंबर 2017 में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त हुई थी? 53 के जो प्रश्न है इसका आंसर होगा 4, तापीय। प्रश्न नंबर 54। सेट वन को सेट से सेकंड से सुमेलित करवाना था इसमें, तो इस 54 नंबर के प्रश्न का प्रोजेक्ट से फंडिंग एजेंसी ये है। 54 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा, ये थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे अपन, इसमें 3 नंबर का जो कूट होगा वो होगा इसमें, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। प्रश्न 55। राजस्थान राज्य के निम्न में से किस श्रेणी के विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर अनुप्रति योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि मिलती है? नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो 55 के प्रश्न में जो कूट दिए गए हैं इनका आंसर जो होगा वो होगा ए बी सी और डी, ये चारों कूट ही ये सही होंगे। प्रश्न नंबर 56। राजस्थान सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियों में निम्न में से किस मद को सम्मिलित नहीं किया जाता? तो प्रश्न नंबर इसका 56 का जो आंसर होगा वो होगा भू राजस्व प्राप्तियाँ। प्रश्न 57। निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य कर रहा है? 57-3 राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम। प्रश्न नंबर 58। वृद्ध किसानों के लिए राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2019 के अंतर्गत राजस्थान सरकार प्रदान करती है? इसका जो आंसर होगा 3। नेक्स्ट पर चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण में शामिल नहीं था? 59 के इसका आंसर रहेगा चूरू। प्रश्न नंबर 60। हाल ही में राजस्थान के हुकम चंद पाटीदार को जिस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, तो इसका आंसर होगा परंपरागत जैविक कृषि। प्रश्न नंबर 61। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने जहां से सफलतापूर्वक छोड़कर पिनाका रॉकेट तंत्र का परीक्षण मार्च 2019 में किया था उसका कहां से था? पोखरण रेंज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 पर राजस्थान सरकार ने आशा झाझड़िया को जिस क्षेत्र में उनके योगदान हेतु पुरस्कृत किया है वो है पर्वतारोहण। प्रश्न 63। हाल ही में जोधपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नवनिर्मित प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जिनके द्वारा किया गया? 63 में होगा 3, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। प्रश्न 64। वर्ष 2019 में राजस्थान सरकार द्वारा महिला शक्ति पुरस्कार जिन्हें दिया गया? 64 के जो आंसर रहेगा वो था कुसुमलता जैन, बी है ये प्रश्न 2 का आंसर होगा। 65। मार्च 2019 में प्रथम राज्य स्तरीय गोरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका जो आंसर होगा वो जयपुर होगा। ब्रिटिश काल में 7 प्राचीन बंदूकें जहाँ के राजभवन से चोरी हुई? 66 का होगा 4, माउंट आबू। प्रश्न नंबर 67। हाल ही में बीकानेर के पास पक्षी से टकराकर भारतीय वायुसेना का विमान जो गिरकर नष्ट हुआ उसको था MiG-21। प्रश्न नंबर 68। दिसंबर 2018 में राष्ट्रीय उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण में
राजस्थान के जिस एयरपोर्ट को तीसरा स्थान दिया गया है वो है उदयपुर। 69, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण मामले में राज्य सरकार के निर्णय को जिस परीक्षा के संबंध में खारिज किया है वो है नीट। महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने हेतु आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई योजना है, उसका नाम है प्रतियोगिता दक्षता। प्रश्न नंबर 71, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा महाविद्यालयों में गुणात्मक विकास एवं संस्थानिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा में फरवरी 2019 में घोषित योजना रेस है, इसका जो 71 के प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो 4 रहेगा, रिसोर्स असिस्टेंस टू कॉलेज एक्सीलेंस। प्रश्न 72, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, इसका जो आनंद कुमार होगा। राजस्थान के संदर्भ में प्लग एंड प्ले फैसिलिटी किससे संबंध रखता है, जो 73 का जो आंसर रहेगा ये रहेगा 2, प्रदूषण रहित विनिर्माण उद्योगों हेतु ये आंसर इसका रहेगा। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं 74 की तरफ, एशियन खेल 2018 के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित कर सही कोड का चुनाव करना है, 74 के प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं 75, तीसरी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 के अनुसार कौन सा रेलवे स्टेशन ए स्टेशन कैटेगरी में सर्वाधिक स्वच्छ पाया गया है, 75 में है मारवाड़। 76, नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है, तो यह आता है प्रथम स्थान पे, प्रश्न नंबर 77। 77 का रहेगा, 11 जनवरी 2019 को रेणुका जी बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का उपयुक्त समूह है, 77 के प्रश्न का जो आंसर रहेगा पंजाब राजस्थान, नहीं प्रश्न आंसर नंबर 2 रहेगा हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 77 के प्रश्न जो रहेगा इसका आंसर रहेगा नंबर 2। 78, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल वर्धन हेतु जनवरी 2019 में प्रारंभ की गई योजना का नाम है, 78 जो क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा SHREYAS श्रेयस। प्रश्न 79, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है, 79 का जो आंसर होगा वो बनास। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है, आंसर दक्षिण पूर्व। प्रश्न नंबर 81, राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, 81 का जो प्रश्न है ये RPSC के द्वारा डिलीट किया गया है तो स्टार मार्क रहेगा ये भी। 82, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया, 82 का जो आंसर रहेगा वो विग्रहराज चतुर्थ। 83 नंबर, कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था, 83 का जो आंसर रहेगा वो नागौर विवाद रहेगा। 84, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, जो आक्रमण का नेतृत्व किया था वो जगन्नाथ, 84 में आंसर रहेगा 4। अपन चलते हैं 85 नंबर की ओर, निम्न को सुमेलित कीजिए, संत और उनके जन्म स्थान रहेंगे, इसमें 85 का जो आंसर है वो 1 है, रामदास का है बीकम कौर, जसनाथ का है कतरियासर, और दरियाव जी का है डेरा, और चरणदास जी का है जेतारण। नेक्स्ट की ओर चलते हैं 86, निम्न में से कौन राजस्थान में लोक देवी के रूप में पूज्य नहीं है, 86 में जो मीरा माता है ये लोक देवी के रूप में नहीं है, पूज्य नहीं है। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई, तो ये ठिकाने कोठारिया के द्वारा दी गई थी। प्रश्न 88, निम्न आंदोलनों के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है, 88 का जो ये प्रश्न है RPSC द्वारा स्टार मार्क है, ये डिलीट किया गया है। 89, तुर्रा और कलंगी लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक हैं,
तो ये दोनों हैं शिव और पार्वती के प्रतीक हैं। नव का रहेगा सुमेलित करना है, मेरा और उनका स्थान है, इनको सुमेलित करना है। तो इसका जो रहेगा वो रहेगा 3 नंबर। कानन मेला है बाड़मेर, मुंडवा का मेला है नागौर और मरु मेला है बीकानेर और कपिल मुनि का मेला है बीकानेर। 91 में बागड़ क्षेत्र की बोली के लिए गियर्सन ने क्या शब्द प्रयुक्त किया? 91 का रहेगा भीली। किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है? 92 में है सोरसेनी अपभ्रंश से। अड़गोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? 93 का जो प्रश्न है 93 का आरपीसी द्वारा डिलीट किया गया है। 94 नंबर पर चलते हैं अपन। राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? तो ये है भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? 95 का जो आंसर रहेगा इसको मुरारीदान ने, उनके पुत्र ने पूर्ण किया था। 96 निम्न में से कौन सा एक उपन्यास रागे राघव द्वारा लिखित नहीं है? 96 में 4 आएगा मिट्टी का कलंक। 97 नंबर निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो ये लोग कुरंजा है, ये पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। 98 राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना है 1 अप्रैल 1979 को की गई थी। 99 सही कथनों का चयन की नीचे दिए गए कूट से करना है, तो ये कूट हैं ये दिए गए हैं, इनमें से चयन करना है अपने को। 99 का जो प्रश्न है ये भी आरपीसी द्वारा डिलीट किया गया, स्टार मार्क क्वेश्चन रहेगा ये। और लास्ट प्रश्न है राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है? वर्टी सॉइल जो राजस्थान में मिलती है वो रहेगा हाड़ौती का पठार। इसी के साथ अपन ने ये 100 प्रश्न थे उनको सॉर्ट आउट किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आए होंगे। धन्यवाद।